अरे आज आंगन खाली है हा? दादी कितने गई? पर दादी हाँ थैंक यू लो जी इसकी भी शादी की ट्रेनिंग चालू कर दी। वेरी गुड है थैंक यू है। कैसा रहा जी रोका सोनल का? अरे फंटास्टिक है ना जी, बढ़िया था जी। आपकी बेटी का रोका हुआ है जी, आप मिठाई लो। हाँ हाँ इतना सोना मुंडा मिल गया है, टॉल ते गुड लुकी। अब सोनल ने क्या बताया था महक, वो लड़के के छाती पे क्या है? सिक्स पैक्स। हाँ छह पैग है, वो भी पटियाला वाले। मैं मिस पटियाला ते माय सन इन लो पटियाला पैग। घर भी चंगा ते घर वाले भी। इतनी मोटी रिंग दिती है कि एक आध फंक्शन तो हमारा निकल ही जाना है। ओ जी रोके पे तो हमने ज्यादा लोग बुलाए नहीं थे, लेकिन हाँ तू क्यों नहीं आई? अच्छा चल छट, शादी के सारे फंक्शन में सबको आना, मैं पहले से बोल रही हूँ। हाँ लेकिन बहन जी आपकी मदद के बिना ये काम होना ही नहीं था। हमारी मदद मतलब आपकी महक पुत्र की मदद के बिना? क्या है ना जी, मेहमान ज्यादा आ गए थे, खाना कम पड़ गया, रेस्टोरेंट से जल्दी और बढ़िया खाना बनाया महक पुत्र ने कल्ले अपने आप। अरे दादी कहाँ थी आप? लो मिठाई खाओ रुका हुआ है। पता है तेरी भैंस कुंठे बंद गई है ना? अरे तू इतनी जोर से चिल्लाती है ये खबर साफ सक्सेशन तक तो पहुंच ही जाती है। लो जी ओवेक मेरे मुंह तो तू लगना, तेरे को चंगी तरह पता मेरे को डायबिटीज है, फिर भी लो जी। अजी वैसे भी इस बाहर की मिठाई में वो स्वाद कहाँ जो अपनी महक पुत्र के हाथों में है। आज तो जी इसने मटर की खीर बनाई, स्वाद इतनी स्वाद कि सारे मेहमान तो जी बस उंगलियां ही चाटते रह गए। महक पुत्र सोनल तो शादी करके चली जाएगी ससुराल, पर तू लिख ले तेरी शादी में ये शीतल आंटी कढ़ाई से पुरिया निकालेगी। शीतल जी चलिए और घरों में जाके भी मिठाई बांटनी है। हाँ जी हाँ जी हाँ, चलो जी चंगा मैं चल दिया। आधी पुरिया तो यही खा जाएगी। महक तू कांता एक काम कर, अगर तेरे घर की लड़कियों की शादी नहीं हो रही है ना तो टेंशन लेने की कोई लोड नहीं है। महक को किसी भी शादी में महाराज का काम मिल जाएगा, वो खाना ही इतना सोना बनाती है। आशीर्वाद का आशीर्वाद और पैसे के पैसे मिल जाएंगे। हाँ एक और आइडिया है मेरे को, अपने दोनों चाचाओं के साथ इसकी भी दुकान खुलवा दे, रेस्टोरेंट वाली। बराटे वाली गली में बहुत चलने वाली है। अरे ठंड रखी तुम। सिद्धार्थ लिसन टू मी, यस जोकर है सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर, लिसन टू मी डैम इट, यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो, यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है, हाउ कुड इट बी, और तुम कोमा में थे ना। पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ, और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू माम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी, प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो, देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तुम निकल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा, मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे मत मारो प्लीज। नहीं खून खून के बदले कौन? पर मां साहब हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो
सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है छाए। तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। पुनंदिता ही थी माँ जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाएगा।